हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनानंद और स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्लास ट्यू प्लस में। आज के सेशन में हम लोग प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 3 सेशन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर सजेशन बॉक्स में आपको वो वीडियो मैं दे दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि उस वीडियो को आप देख पाएं। पहले जो 3 पार्ट हैं वो बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के, जिसमें हम लोग और जो भी हम लोग वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, उसमें आप ज़्यादातर जो देखेंगे क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आने वाले अपकमिंग एग्जाम में। और ये भी ध्यान रखें कि अच्छे से स्टडी करना है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उन्हें रिकमेंड करें ताकि वो भी इस तरह के अच्छे वीडियोस का फायदा उठा पाएं। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये है, अ फ्रूट सेलर बाय 50 kg मैंगोज एट ₹80 पर kg। ही सेल हाफ ऑफ द मैंगो एट 90 पर kg एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट ₹120 पर kg। हैड टू थ्रो रिमेनिंग मैंगोज एज इट वॉज फाउंड रोटेन, और रिमेनिंग को से फेंकना पड़ गया। वट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज मेड बाई हिम। देखिए क्या बोला, एक फल विक्रेता 50 किलोग्राम आम ₹80 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह हाफ मैंगो आधा आम ₹90 प्रति किलोग्राम की दर से और बचे हुए आम का आधा ₹120 प्रति किलोग्राम की दर से तथा शेष आम सड़े होने के कारण फेंक देता है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि कितना है? तो उसने नेट कितने प्रॉफिट या लॉस किए वो बताना है आपको। देखिए इसमें पूरा ट्रेडिशनल तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे निकाल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50 × 80। तो 50 × 80 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 40 और ₹4000 का उसने इसका मीनिंग की आम खरीदा। उसने 4000 का आम खरीदा। अब बोला गया है कि हाफ मैंगो, देखिए 50 kg का हाफ कितना होगा, 25। तो अब सेलिंग प्राइस में देखिए तो सेलिंग प्राइस में हाफ मैंगो कितना हो गया, 25 kg उसने क्या किया, 25 kg उसने सेल किया एट ₹90 पर kg, 90 पर kg के रेट से। तो यहाँ पे उसने कितना सेल किया, तो 25 × 9 = 225 जानते हैं, 2250 ₹2250 का उसने आम बेच दिया। उसके बाद क्या किया, बचा, अब रिमेनिंग कितना हुआ 50 में से, तो 25 उसने सेल कर दिया, तो बचा कितना 25, और 25 का हाफ कितना होता है 12.5, और 12.5 केजी जो है उसने सेल किया 120 पर केजी के रेट से, 120 पर केजी के रेट से उसने सेल किया। तो अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो 125 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 25 × 12 तो आप जानते हैं 300 होता है, 12 + 3 कितना हो गया 15, तो 1500, तो ये हो जाएगा ₹1500। अब देखिए जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग को तो उसने नो प्रॉफिट, नो उसने तो कोई प्रॉफिट ही नहीं किया, यानी रिमेनिंग तो जीरो, तो उसको हम लोग लेंगे नहीं। तो यानी टोटल उसने जो सेल किया वो कितने रुपये का सेल किया, तो देखिए 2250 और 1500, तो ये हो गया 2200 और 1500, 3750 रुपये, 3750 रुपये का टोटल सेल किया। खरीदा था कितने का, 4000 रुपये का। तो नेट उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, तो देखिए एक आपको ₹250 का ये लॉस हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ₹250 लॉस होगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिए इसमें पूरा ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है जिसमें आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 guava 3 mangoes and 4 apple कॉस्ट ₹150। बोला गया है 2 amrud 3 aam aur 4 sev के लागत मूल्य ₹150 है। 3 guavas 2 mangoes and 1 apple कॉस्ट ₹100। बोला गया 3 amrud 2 aam aur 1 sev का लागत मूल्य ₹100 है। आई बॉट 3 guava 3 mangoes, सॉरी यहाँ पे 3 की जगह 4 होगा, 4 guava 4 mangoes and 4 apples, हाउ मच डिड आई पे, तो मुझे कितना खरीदना पड़े। तो इतना मैंने खरीदा, 4 amrud 4 aam aur 4 sev खरीदा, तो मैंने कितने रुपये दिए। तो देखिए जनरली यदि देखा जाए तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है। यदि देखा जाए 2 guava + 3 mangoes + यहाँ पे देख रहे हैं 4 apple, इसका कॉस्ट दिया गया है 150। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि 3 guava + 2 mangoes
एंड प्लस वन एप्पल, ये टोटल कॉस्ट है रुपीज 100, 100 रुपीज पड़ रहा है। अब देखिए आपके पास वेरिएबल्स में एक दो तीन वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन बन रहे हैं दो, तो ऐसे देखने से लग रहा है कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, लेकिन आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा। तो इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन वन और टू ऐड करेंगे, देखिए तो क्या हो गया, फाइव गुआवा प्लस फाइव मैंगोज प्लस फाइव एप्पल, ये इक्वल टू कितना हो गया, तो 250, 250 रुपये। तो हम लोग गुआवा प्लस मैंगो प्लस एप्पल एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, वन गुआवा वन मैंगो वन एप्पल का कॉस्ट कितना आएगा, 250 डिवाइडेड बाई 5, तो 250 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाता है, 50 रुपीज। अब ले फोर गुआवा फोर मैंगो फोर एप्पल, दैट इज इसको यहाँ चार से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर टाइम्स ऑफ गुआवा प्लस मैंगो प्लस एप्पल, तो ये इक्वल टू कितना होगा, 50 का फोर टाइम्स कर देंगे, 50 का फोर टाइम्स कितना हो जाएगा, 200 रुपीज। तो आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसका जनरली कैंडिडेट क्या करता है, देखता है कि सर तीन वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल और दो इक्वेशन है, तो सर आंसर तो ऐसे ही कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन करके निकल जाता है। और एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, एग्जामिनर देखिए हमेशा एक ऐसे तरह के क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन देकर ही रहेगा, जिससे कैंडिडेट क्या करे, कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन लगा दें। तो होशियार रहना है एग्जाम में और अपने आप को सतर्क रखना है, चीजों पर ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अ मास्क डीलर इनकर्स एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 150 फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी N95 मास्क, ही ऑल्सो इनकर्स एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ मास्क प्रोड्यूस, इफ he able to sell the mask during the season he sell it for rupees 250, if he fails to do so he has to sell each mask at rupees 100, if he produces 1500 mask what is the number of mask that he must sell during the season in order to break even, given that he is able to sell all the mask produced। देखिए क्या बोला गया, एक मुखौटा व्यापारी है जो N95 मास्क बना रहा है। अब N95 मास्क बनाने के लिए कितना, 150 रुपया पर मास्क के लिए खर्च कर रहा है बोला गया है, वह 30,000 रुपया अतिरिक्त भी खर्च करता है। अब बोला गया है कि जो उत्पादक मास्क की संख्या से स्वतंत्र है, मतलब ये जो मास्क बनाया गया उससे एडिशनल खर्च 30,000 रुपीज खर्च कर रहा है। यदि वह सीजन के दौरान एक मुखौटा यानी एक मास्क बेचने में सक्षम है तो उसे 250 रुपया में बेचता है, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे प्रत्येक मुखौटा को यानी प्रत्येक मास्क को 100 रुपया में बेचना होगा, यदि वह 1500 मास्क उत्पादन करता है यानी टोटल मास्क कितने हैं, 1500 मास्क उत्पादन कर रहा है, तो लाभ या अलाभ, लाभ यानी हानि की स्थिति की परिस्थिति के लिए सीजन के दौरान उसे कितने मास्क की बिक्री करनी होगी, यह देखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि वो जितना मास्क बना रहा है उतना सेल कर दे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है। तो यदि हम मान लें कि टोटल तो 1500 मास्क है, तो हम लोग यदि ये समझ लें कि टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्टिंग की बात करें, टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट पड़ेगा अपना 1500 और प्लस रुपीज 30,000, ये हमारा टोटल कॉस्ट पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 15, तो 225 होता है, तो 225, अब कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, 3 जीरो प्लस यहाँ पे कितने हो गए, 30,000। अब बताइए ये टोटल कितना हो गया, 22,500, ये हो गया 2250, तो ये 225,000 और यहाँ पे 30,000, तो इसका मीनिंग हो गया कि 255,000 ये टोटल कॉस्टिंग पड़ रहा है मेरा। अब बोला गया है कि देखिए ये जो कॉस्टिंग है इतना ही कॉस्टिंग में बेचना है, तो सबसे पहले देखिए यदि मैं मान लो कि सीजन के दौरान वो एक्स मास्क बेच रहा था, तो इसका अर्थ हुआ कि एस मास्क वो 250 रुपीज के रेट से बेच रहा होगा, और रिमेनिंग जो होगा 1500 माइनस एस एक्स मास्क वो 100 रुपये के रेट से बेच रहा होगा, और टोटल जो कॉस्टिंग आएगा वो कितना होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आनी है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति की बात करेंगे तो क्या होगा, 255,000 रुपीज हो जाएगा। अब देखिए ये तो टोटल एसपी हुआ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 250x
और माइनस 100x तो ये हो गया 150x। और देखिए ये इसको 1500 को यदि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 150,000 हो जाएगा, तो 150,000 इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 255000 इसमें से माइनस कर देंगे कितना 150000, तो 150,000 माइनस कर देंगे, तो 150,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 255,000 से 150,000 माइनस करना है, तो आप ये तो बता ही सकते हैं कि कितना हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो पहले तो 30 आप लिख लीजिए, देखिए यदि नहीं आ रहा है तो ये 30 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से 5 - 0 कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 - 5 0 हो गया और ये हो गया 1, तो 105,000 रुपये हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105,000 रुपये को आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 150 से। तो 150 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 15 7 = 105 होता है, तो 700 हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनिशियली में वो 700 मास्क सेल करेगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ हॉर्स ट्रेडर बाय 2 हॉर्सेस एट रुपीज 140,000, ही सेल द फर्स्ट हॉर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ ही अर्न्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 14,000 देन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज हाउ मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ सेकेंड हॉर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है कि दो घोड़े, एक हॉर्स ट्रेडर है जो दो घोड़े 140,000 में खरीदता है, वह पहले घोड़े को 25% लाभ और दूसरे घोड़े को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह कुल 14,000 रुपये लाभ कमाता है तो पहले घोड़े का लागत मूल्य दूसरे घोड़े के लागत मूल्य से कितना अधिक है। तो देखिए इसमें हम लोग जो कंसेप्ट लगाते हैं, तो हम लोग यदि ये सोचें ये जो 140,000 रुपये हैं और ये जो 14,000 रुपये लाभ है तो नेट प्रॉफिट कितने हुआ, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो हुआ उसको ये हो गया 14,000 अपन 140,000 इनटू 100, जो कि कितना परसेंट आएगा आप समझ सकते हैं। 30 यहाँ से, 30 यहाँ से कट कैंसिल हो गया, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 बचा, तो कितना परसेंट आया, 10%। तो यानी नेट प्रॉफिट हमारा 10% आया। अब इसमें हम लोग एलिगेशन लगा देंगे, तो एलिगेशन में देखिए पहला प्रॉफिट कितना है, पहला प्रॉफिट 25% है, दूसरा लॉस कितना है 10%, तो लॉस के लिए हमेशा हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए ये फर्स्ट हॉर्स के लिए है और ये सेकंड हॉर्स के लिए है, और नेट बोला गया ओवरऑल कितना है 10%, तो 10% ले लिए, इसमें से माइनस करके उल्टे लिखेंगे तो 25 - 10 कितना हो जाएगा 15%, और 10 में से 10% को माइनस 10% को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20%। तो डेट इज रेशियो कितना आया, रेशियो कैलकुलेट कर देंगे इसको, तो रेशियो 5 से कैंसिल कर लेंगे 4 और 5 से 3, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 यूनिट के वैल्यू हमें दिया गया है, 7 यूनिट के वैल्यू 140,000। अब 7 यूनिट के वैल्यू यदि 140,000 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपका, देखिए डिवाइड कर देंगे तो 7 × 2 = 14 और 4 0 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आपको समझ में आया होगा। इसमें एलिगेशन मेथड ऐसे क्वेश्चन में यूज करना बहुत आसान होता है, और एलिगेशन मेथड यूज करने का एक फायदा भी है कि आपको बहुत सारी चीजें इजी, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं इजी हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन खासकर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, इसके पहले हमने परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलिगेशन कैसे यूज करना है। तो आइए इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, रमन बाय 2 काउज एट रुपीज 98,000। बोला गया कि रमन 2 गायें 98,000 रुपये में खरीदता है, ही सेल द फर्स्ट काउ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेकेंड काउ एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ही गेट्स इक्वल अमाउंट फ्रॉम ईच। अब देखिए 98,000 रुपीज में तो खरीद रहा है, लेकिन जब बेच रहा है एक को 20% प्रॉफिट और दूसरे को 25% प्रॉफिट में, दोनों से उसको अमाउंट सेम ही मिल रहा है, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल द फर्स्ट काउ टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो बोला जा रहा है कि पहले गाय को कितने में बेचे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करना है। देखिए सेलिंग प्राइस सेम है, तो हम लोग ऐसे समझे काउ वन का यदि 100% होता और 20% प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब काउ वन का सेलिंग प्राइस 120% होता, यानी काउ वन के कॉस्ट प्राइस का, काउ वन के सीपी का कितना होता, काउ वन के सीपी का 120%, और दूसरा जो होता वो काउ टू के कॉस्ट प्राइस का 125%, यही तो होता।
तो यहां से देखिए इन दोनों का रेशियो क्या निकल गया, काउ वन इज टू काउ टू, इसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चल जाएगा 125 इज टू 120। अब 125 इज टू 120 कैंसिल कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 से 5 से कैंसिल कर लीजिए, 25 और 5 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, तो 25 और 24 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो रहा है, इन दोनों का सम देखिए हो रहा है 49। तो 49 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है, 49 यूनिट का वैल्यू रुपीज 98,000, यही दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है। अब कंबाइंड कॉस्ट प्राइस तो पहले गाय का कॉस्ट प्राइस तो 25 यूनिट हमें निकल गया, तो 25 यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 25 यूनिट के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो इसका यदि हम लोग कंपेयर करें तो इसका कितना टाइम्स है, तो इसका हम लोग दिख रहा है कि 2000 टाइम्स है, तो 25 का 2000 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये आप लोग तो समझ ही सकते हैं, तो 25 टू जा 50 होता है, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपीज। अब 50,000 रुपीज हमें पता चल गया कि इसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन पूछा गया इस पे 30% प्रॉफिट चाहिए, तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी एट 30% प्रॉफिट यदि हम लोग कैलकुलेट करें, तो एसपी एट 30% प्रॉफिट क्या करेंगे, तो 50,000 का हम लोग कैलकुलेट कर देंगे 130%, 130/100 कर दीजिए पता चल जाएगा, तो 130/100 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ₹65,000। तो ₹65,000 क्या है, पहले गाय का सेलिंग प्राइस होगा यदि वो 30% प्रॉफिट करना चाहता है। तो आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अ रियल एस्टेट एजेंट सेल टू साइट्स फॉर रुपीज 18,890 ईच, ऑन वन ही गेन 25%, अनदर ही लॉस 25%, व्हाट इज हिज लॉस और गेन परसेंटेज। बोला कि एक रियल एस्टेट एजेंट 18,890 प्रत्येक में दो साइटें बेचता है, एक पर उसे 25% लाभ और दूसरे पर 25% हानि होता है, तो उसे नुकसान या लाभ का प्रतिशत क्या है। अब ध्यान रखिए कि जहां पे ये क्वेश्चन में बोल दिया जाए, देखिए इसको मैं बोलता हूँ, ये जो 18,890 रुपीज दिया हुआ है इसको मैं बोलता हूँ कि ये इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इक्वल सेलिंग प्राइस भी बोल सकता है। एक्चुअली ये दिया किस लिए जाता है, यहाँ पे जो डेटा जो दिया जाता है, ये वैल्यू जो दिया जाता है इस तरह का, ये दिया जाता है कि ताकि कैंडिडेट जो कैलकुलेशन में वो फंसे, कैलकुलेशन करते समय वो ज्यादा टाइम ले, टाइम ज्यादा कंज्यूम करे, इसलिए डेटा दिया जाता है। इस बिना डेटा के भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके मैं दो टेक्निक आपको बताऊंगा। तो पहला टेक्निक क्या है, देखिए ये पहला टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितना परसेंट गेन है उतना ही परसेंट यहाँ पे लॉस रहे, ध्यान रखिएगा जितना परसेंट गेन है उतना ही परसेंट लॉस दिया है, तभी पहला टेक्निक अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं अप्लाई होगा। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम देना चाहिए, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, अब इस केस में हमेशा ध्यान रखिए ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितना होगा, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई 100, तो 25 × 25 625 625 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 6.25% का लॉस हो जाएगा। यानी जो फॉर्मूला बनता है इसमें लॉस परसेंटेज, यदि मैं इसको भी एक्स समझूं और इसको भी एक्स समझूं, तो इसका मीनिंग हुआ कि एक्स स्क्वायर बाई 100 कर देंगे, तो यही आपका लॉस का परसेंटेज हुआ, एकदम देखकर ही आपको आंसर पता चल जाएगा यदि आपको स्क्वायर आता है तो। ओके, और देखिए दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका ये कहता है कि हम इसको ऐसे समझें, अब यहाँ पे तो दोनों के लिए सेलिंग प्राइस सेम है, तो हम पहला जो साइट है और दूसरा साइट है, पहले साइट के कॉस्ट प्राइस को हम सीपी को ऐसा लिख ले रहे हैं S1 S2। अब पहले साइट का हमारे हिसाब से देखा जाए तो पहले साइट का 125% यदि हम एसपी की बात करें, तो एसपी तो 25% है, तो एसपी हम बात करें तो एसपी कितना हो जाएगा, पहले साइट का 125% और दूसरा कितना होगा, दूसरे साइट का 75%। अब बोला गया कि ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये तो बोला गया इतना रुपया 18,890 ईच बोला गया, तो दोनों इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चल गया, साइट वन इज टू साइट टू कितना हो जाएगा 75:125, 25 से कैंसिल कर दिए 3 और 5, तो इसका अर्थ हुआ कि 3:5 का रेशियो होगा, और 3:5 का रेशियो हुआ। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 30 और 50 कर लेता हूँ। अब 30 पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 25%, तो इस पे 25% प्रॉफिट है, और इस पे हमें क्या है लॉस है, लॉस कितना है 25% का लॉस है, तो यदि मैं यहाँ पे देखूं तो 30 का 25% कितना होगा 7.5, तो प्लस 7.5 हुआ, और 50 का 25% कितना हो गया, तो ये हो गया 12.5, और 12.5 का लॉस हो गया, तो देखिए 7.5 प्रॉफिट 12.5 लॉस, तो दैट इज लॉस हो रहा है कितने का, 5 का। और देखिए
5 का लॉस हुआ और नेट जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस पड़ा 50 + 30 कितना हो गया, नेट कॉस्ट प्राइस 80 पड़ा, तो 80 रुपये पे 5 रुपये का लॉस हुआ। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा 5/80 × 100। तो 5/80 × 100 कर देंगे तो देखिए 25, इसको 20 से कैंसिल कर लीजिए तो 20 से ये 4 हो गया और 20 से ये आपका हो गया 5। तो देखिए 5 × 25 करेंगे तो 25/4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 6.25। तो 6.25% आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन जब आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे ये फॉर्मूला ये आपको मेथड कब अप्लाई करना है, ये मेथड तब अप्लाई करना है कि जब ये गेन और ये लॉस दोनों डिफरेंट हो, या दोनों जगह गेन गेन का परसेंटेज डिफरेंट हो तभी ये अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, अ बिल्डर सेल टू 1 BHK फ्लैट एट इक्वल अमाउंट, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द फर्स्ट एंड 20% लॉस ऑन द अदर, हाउ मच परसेंट प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक। बोला गया एक बिल्डर जो है 2 1 BHK फ्लैट समान राशि पर बेचता है, उसे पहले पर 25% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुए ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो अब बोला गया कि 2 1 एक बिल्डर जो है 2 1 BHK, अब देखिए यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया, बोला गया यहाँ पे इक्वल अमाउंट है। तो यही अब यहाँ पे हम लोग यदि कर रहे हैं कि पहले बिल्डिंग का, पहले फ्लैट का फ्लैट वन कॉस्ट प्राइस लिखें, कॉस्ट प्राइस को हम फ्लैट वन और फ्लैट टू लिख लेते हैं, तो SP हम लोग क्या लिखेंगे, तो SP की बात करेंगे तो SP हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, फ्लैट वन का 125% ये जो होगा इक्वल होगा फ्लैट टू का 80%। अब देखिए यहाँ 5 से कैंसिल कर लेंगे तो 5 से ये 16 हो जाएगा और 5 से ये 25 हो जाएगा, तो फ्लैट वन इज टू फ्लैट टू ये हो जाएगा 16:25। अब देखिए बोला गया है कि इस पे उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 25% का, तो इस पे 25% यदि प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ प्रॉफिट हुआ 4 रुपीज का, यहाँ पे लॉस हुआ 20% का, तो 20% का लॉस कैलकुलेट करते हैं तो इसका मीनिंग 5 रुपीज का लॉस हो गया। तो नेट प्रॉफिट या लॉस की बात करेंगे तो नेट लॉस हो गया कितना, 1 रुपीज का लॉस हो गया, कितने पे लॉस हुआ, 16 + 25 = 41 रुपीज पे लॉस हुआ, तो 1 रुपये का लॉस हो गया 41 पे। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, 1/41 × 100, तो 1/41 × 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2/18/41%, तो ये आपका लॉस परसेंटेज आएगा। अब देखिए लेकिन यदि आप पहले वाला फॉर्मूला यूज करते तो ये आपका उतना नहीं आता, ये कुछ और आता, यानी अब देखिए कई लोग कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में सर आप तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, x + y + xy/100 भी लगा सकते हो, तो ये लगाना गलत हो जाएगा इस केस में, ये ध्यान रखिए। आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ कि इतना नहीं आएगा, तो देखिए तो ये कितना होगा 25 - 20 और ये हो जाएगा माइनस से ये हो जाएगा 500/100 करेंगे तो -5, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा 0%। तो इसके हिसाब से देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस का केस आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये बहुत ही ध्यान रखिएगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दो कंसेप्ट यहाँ पे लागू होते हैं, क्या क्या, पहला ध्यान रखिएगा, पहला क्या कि जब इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस का परसेंटेज हो तब तो उसका स्क्वायर करके हम डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, हमें नेट लॉस पता चल जाएगा, लेकिन जब इक्वल प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज नहीं दिया गया हो तो हमें रेशियो निकालकर और उसके ऊपर हमें सॉल्व करना है। क्लियर हुआ आपको? तो ये नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो पॉज करके फिर से बैक जाकर फिर से अच्छे से इसको देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा कंसेप्ट क्या कर रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए, रोहन सेल अ मोबाइल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू सोहन एंड सोहन सेल इट टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए रोहन जो है मोबाइल सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट पे सोहन को, सोहन वो मोबाइल 25% प्रॉफिट में सेल कर दे रहा है। अब मोहन पे ₹24,000 टू सोहन, देन एट व्हाट अमाउंट डिड रोहन बाय द मोबाइल। बोला गया रोहन 20% लाभ पर एक मोबाइल सोहन को तथा सोहन वह मोबाइल 25% लाभ पर मोहन को बेच देता है, यदि मोहन 24,000 सोहन को देता है तो रोहन उसे कितनी राशि में खरीदता है।
तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रोहन का कॉस्ट प्राइस हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए 20% का मीनिंग तो जानते हैं 1/5, तो इसका मीनिंग 5 रुपये का सामान वो 6 रुपये में बेचा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6/5 कर दीजिए। अब देखिए 25% का भी मीनिंग जानते हैं, इस 25% का मीनिंग जानते हैं 1/4, यानी 4 रुपये में खरीदा होगा तो 5 रुपये में बेच रहा होगा, तो इसको 5/4 कर दीजिए। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹24,000। अब इसको देखिए 5/5 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो रोहन को कितना पड़ा होगा, तो 24,000 रुपये का 2/3, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 8,000, और 8,000 का डबल कितना होता है 16,000 रुपीज, दैट इज रोहन को ये 16,000 रुपीज में पड़ा होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसके लिए हम लोग ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज के सेशन का 9th नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए अ पर्सन बॉट 2 बाइसाइकल एट ₹16,000 एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट एंड द सेकंड एट 20% प्रॉफिट। इफ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 10% प्रॉफिट ही वुड गेट ₹5 मोर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 बाइसाइकल। क्या बोला गया, एक व्यक्ति 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी, एक साइकिल को उसने 10% लाभ तथा दूसरे साइकिल को 20% लाभ पर बेचा। बोला जा रहा है यदि सिचुएशन को रिवर्स कर दिया जाता है, यानी पहले को वह 20% लाभ पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपया अधिक प्राप्त होते, तो दोनों साइकिल के लागत मूल्य में अंतर क्या है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए तो हम लोग कॉस्ट प्राइस ऐसा कुछ समझ लेते हैं, कंडीशन वन के हिसाब से समझ लेते हैं कॉस्ट प्राइस। अब देखिए इस 10% का मीनिंग तो पता है, साइकिल वन और साइकिल टू ले लेते हैं। तो साइकिल वन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 10 रुपया होगा, और साइकिल टू के लिए कितना होगा, 20% का 10% का मीनिंग 1/10 होता है, ये तो आप जानते हैं, और ये जो 20% है ये 20% का भी मीनिंग जानते हैं कि 1/5 होता है, तो यहाँ पे 5 रुपया होगा। अब एसपी लिखते हैं, एसपी लिखते हैं, हम एसपी वन लिख देते हैं, तो इस पे प्रॉफिट कितना पहले कमाना है, 10 10 रुपये, 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 11 रुपये में बेचेगा, और यहाँ पे कितना बेचेगा, तो 10 रुपये की जगह पे देखिए प्रॉफिट कितना होगा, तो 1 रुपया प्रॉफिट तो 6 रुपया, यानी नेट सेलिंग प्राइस जो होगा 11 और 6 17 रुपये होगा। अब ध्यान दीजिए एसपी टू की बात करते हैं, सामान तो इतना ही रुपये का था, ये पहला साइकिल तो 10 रुपये का ही था, इस पे अब प्रॉफिट कितना करना चाहता है, तो अब सिचुएशन को रिवर्स किया गया, तो इस पे प्रॉफिट कितना करना है उसे 20%, तो इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो 10 का 20% तो 2 रुपीज होता है, तो बेचेगा कितना 12 में, और इस 5 का देखिए 5 का, अब इस 5 पे कितना परसेंट प्रॉफिट करना है, तो 10% प्रॉफिट करना है, तो 5 का 10% यदि यहाँ पे 10% कैलकुलेट करते हैं तो 10% कितना होगा 5.5, तो 5 0.5, तो 0.5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 0.5 ऐड कर देंगे तो 12 और 5.5, तो ये टोटल हो जाएगा कितना 5.5 हो जाएगा, तो 5.5 हो जाएगा तो कितना हो गया 17.5। अब दोनों के सेलिंग प्राइस में देख रहे हैं यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 0.5 का अंतर है, और यही बोला गया है, देखिए यहाँ से देखिए 17 से 17.5 है, तो ये अधिक 17.5 तो अधिक है ही, और यहाँ पे अधिक कितना क्वेश्चन बोला गया है 5 रुपये अधिक बोला गया, तो हम बोल सकते हैं 0.5 की वैल्यू जो है वो है ₹5। हमें कितने की वैल्यू बताना है, देखिए दोनों के कॉस्ट प्राइस में कितने का अंतर है, 5 यूनिट का अंतर है, तो हम 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये तो पता चल जाएगा ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 5 × 5 / 0.5। अब देखिए इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे × 10 कर देंगे, 5 5 कैंसिल, कितना हो गया ₹50, तो ₹50 का डिफरेंस था। तो ये इस क्वेश्चन इस सेशन का 9th नंबर क्वेश्चन था, और होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम लोग और भी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है देखिए, अ मैन बाय 3 डॉग्स एंड 8 रैबिट्स एट ₹47,200। बोला गया तीन, एक आदमी जो है 3 डॉग्स और 8 जो खरगोश है वो खरीद रहा है आपको 42,200 रुपये में। Instead, if he would have bought 8 dogs and 3 rabbit, he had to pay ₹53,000 more. What is the cost of 1 rabbit होगा? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, rabbit होगा, sorry cow लिख दिया है, तो यहाँ पे rabbit होगा, यहाँ पे rabbit होगा। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है 3 dog + 8 rabbit का जो cost है वो है ₹47,200। अब देखिए बोला गया है कि 8 डॉग्स प्लस
फ्री रैबिट के लिए कितना देना पड़ेगा, 53,000 मोर, तो 47,200 में 53,000 यदि ऐड कर देंगे तो देखिए 47,200 में आपको 53,000 ऐड कर देने हैं। तो ऐड कर देंगे तो ये तो 200 हो गया, 10, 0, 4, 3, 7, 4, 5, 9, 10, तो ये हो गया 100,200, तो इतना 1,200,000 रुपये हो गए। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक बार ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन को हम लोग इजी करने के लिए कुछ अलग सा मेथड यूज करेंगे, ध्यान दीजिए क्या करेंगे। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 1 + 2 कर दूँ, तो 1 + 2 कर दो तो कितना हो गया 8 + 3 11, तो 11 कॉमन हो गया, तो डी प्लस आर ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा 147,400 होगा, ये 200 नहीं होगा 400। अब d प्लस आर कितना हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे 11 वन जाए 11, अब बचा कितना यहाँ पे 3, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, तो ये हो गया 13,400, ये पहला इक्वेशन बन गया। अच्छा यदि दूसरे में से 2 - 1 कर दें तो क्या बचेगा, 2 - 1 कर देते हैं, तो 2 - 1 कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा, 5 times of d minus r कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो देखिए ये तो डबल ये ट्रिपल जीरो आ जाएगा, और 7 - 3 10 - 7 3 हो गया, और ये हो गया 9 - 4 5, तो ये हो गया 53,000। तो d माइनस आर कितना हो जाएगा, तो d माइनस आर आपको तो पता चल ही गया है कि दोनों का डिफरेंस ही तो बोला गया था, डिफरेंस अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 हो गया, ये 0, 5 6 30 और 0 0, तो 10,600, ये तीसरा इक्वेशन हो गया और ये चौथा इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमें रैबिट का कॉस्ट बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो 2 times of rabbit कितना आ जाएगा, तो इसमें से 13,400 में से 10,600 माइनस कर देंगे तो 14 - 6 8 हो जाता है, और ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2800 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1400 रुपये, तो 1400 रुपये क्या होगा उस रैबिट का कॉस्ट होगा। तो ये इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और ये बहुत ही इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने लिया था ताकि आपको ये भी पता चले कि हर समय एग्जाम में शॉर्टकट नहीं होता, एग्जाम में कई बार आपको क्या करने होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें इक्वेशन फॉर्म करना ही पड़ेगा, बिना इक्वेशन फॉर्म के नहीं कर सकते, तो आपको एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। देखिए जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि टाइम टेकिंग है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके अगला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। होप कि आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और ध्यान रखिए कि सभी वीडियो फ्री हैं, तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है कि आपको पे करना है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो, तो आप हमें classtubeplus@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ।